तुम भी लाजवाब हो, हंसते हंसते मेरे पेट पे बल पड़ गया। पता है राजा साहेब, मैं लोगों को हंसाता हूँ, इसीलिए तो हूँ मैं मनोरंजक। और मंत्री साहेब हंसा नहीं सकते हैं, इसीलिए वो करते हैं दंत मंजन। राजा जी, ये मुझे तब से परेशान कर रहा है और आप है कि हंस रहे हैं। इसे कहते हैं मजाक मजाक। आह मंत्री, अरे तुम्हारे अंदर कोई रस वस है कि नहीं? हाँ, हमारे महाराज के अंदर तो बहुत अच्छी तरह से रस भरा हुआ है। हाँ, है ना महाराज? अरे आओ 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 चंदा बहन, मंदा बहन, आओ आओ। प्रणाम महाराज जी, पर ये कौन है? इसे तो हमने पहचाना नहीं। ये हैं हमारे राज्यसभा के नए अतिथि, ये आज ही पास के राज्य से आए हैं। अच्छा अच्छा। दरअसल पास के राज्य के राजा जो हैं, वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त, उन्होंने ही इन्हें मेरे पास भेजा है। मंदा बहन, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा खाना पकाती हो। हाँ हाँ, खाना तो मैं बहुत अच्छा पकाती हूँ। ठीक है, मेरे खाने का बंदोबस्त हो गया है। मंदा बहन, आज से तुम रोज मुझे खाना पकाकर खिलाओगी। मतलब? ओ, तुम लोगों को तो ये बात मैंने बताया ही नहीं, ये आज से तुम लोगों के साथ ही रहेंगे। और मंदा बहन, तुम दो टाइम के खाने का बंदोबस्त इनके लिए कर दो। ठीक है महाराज जी। अच्छा हुआ, खुद के खाने की तारीफ जो करती रहती है। अरे हाँ चंदा बहन, और तुम इनके घर की साफ सफाई वगैरह कर देना, ठीक है? हाँ मैं। हाँ चंदा बहन, तुम ही। क्या मंदा बहन, खाना बना कि नहीं? उफ, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी आओ। ये लीजिए भाई साहब, आपके लिए खाना। उफ, उफ, लाओ लाओ, जल्दी से खाना लाओ। तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है, तुम हिल भी नहीं पा रही हो। भाई साहब, पहले ये बताइए खाना कैसा बना है? बहुत खराब खाना बनाया है तुमने। यही खाना खाके सब तुम्हारी तारीफ करते हैं। जो भी तुम्हारी तारीफ करते हैं, मुझे लगता है वो सारे पागल हैं। छी 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 छी। अरे आओ 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 चिंता बहन, मेरे घर पे झाड़ू पोछा मार के घर को एकदम चकाचक बना दो, जल्दी से। मैं घर की सफाई करूंगी। हाँ हाँ, तुम्हें करना पड़ेगा, राजा साहब का आदेश है। अब वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से काम करने लगो। चलो शुरू हो जाओ जल्दी से। हाँ, मुझे राज्यसभा में भी जाना है। दीदी सुनो ना। दीदी, क्या बात है चंदा? जो बोलना है जल्दी जल्दी बोल। ये नया ढोंगी हमारे साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा है, देखा तूने? उसकी महाराज जी ने थोड़ी प्रशंसा क्या कर दी, वो तो खुद को ही महाराज जैसा समझने लगा। किसी को कुछ समझता ही नहीं है, बिल्कुल बेकार आदमी है। फिर सोच के देख, सुबह मेरे साथ भी बहुत बुरी तरह से बात की उसने। मंदा बहन, ओ मंदा बहन, चंदा बहन, ओ चंदा बहन, एक बार बाहर तो आओ। अरे चंदा, ये तो मुझे मुखिया जी की आवाज लग रही है। चल चल चल, जाकर देखते हैं क्या हुआ है। ओ,
चंदा बहन, अमंदा बहन, आप लोगों से मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। क्या बात है मुंशी जी? ए, बोलो बोलो, तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी तो कुछ बोलना चाह रहे थे ना, तो बोलो। मुझे भी बोलना है उस मनोरंजक के बारे में। सुबह से मेरी दुकान से बहुत मिठाई खा के गया है और एक पैसा भी नहीं दिया है उसने। हाँ मंदा बहन, मेरे कचौड़ी के दुकान से भी 20 कचौड़ी खा लिए, लेकिन पैसा मांगते ही बोलते हैं कि मैं राजा का खास हूँ, अगर मेरे से पैसा मांगोगे तो तुम्हारा गर्दन उड़ा दूंगा। अब हम क्या करें बताओ तुम ही। इस ढोंगी को लेकर तो बहुत मुसीबत हो गई है, हमें काम करते हैं। चलो चलो सब मिलकर राजा साहब के पास जाते हैं, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। हाँ, चलो जाते हैं। चलो सब। नहीं नहीं, मुझे आप लोगों के बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरा अतिथि ऐसा काम कर ही नहीं सकता। ये लोग जो बोल रहे हैं, क्या ये सब सच है? नहीं नहीं राजा साहब, ये सब गलत है, एकदम गलत। राजा जी, हा? इतने सारे लोग क्या एक साथ झूठ बोलेंगे, बताइए। हाँ हाँ, देखो देखो, मंत्री की बातें सुनो, मंत्री सबसे बड़ा षड्यंत्री है। मैं राजा साहब का खास आदमी हूँ, इसीलिए मंत्री को जलन हो रही है, मुझे सब पता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तुम सही बोल रहे हो। लेकिन राजा साहब, यकीन मानिए, हम जरा सा भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। हाँ महाराज जी, चंदा बिल्कुल ठीक कह रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। सुन लिया सबने? चलो जाओ 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 यहाँ से, सब लोग निकलो यहाँ से। चलो रुको, दिखाती हूँ मजा। मेरा नाम भी चंदा है, तुम्हें तो मैं अकेले ही देख लूंगी। क्या हुआ मंदा बहन, इतनी रात को तुम हम दोनों को यहाँ क्यों बुलाई? ढोंगी को सबक सिखाने के लिए मेरे दिमाग में कुछ आया है। दरबान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा रास्ता रोकोगे? क्योंकि मैंने उन लोगों को ये करने बोला है। ओ, अच्छा मंत्री जी, ये तुम्हारा षड्यंत्र है, क्या राजा जी को ये सब पता है? हर चीज राजा को जानना चाहिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, तुम आज से ही इस राज दरबार में प्रवेश नहीं कर पाओगे। देखता हूँ कि तुम क्या कर लेते हो। मंत्री जी, तुमने क्या किया, मुझ पे हाथ उठाया, राजा जी को पता चलेगा ना? राजा साहिब को तो पता ही नहीं चलेगा। ये क्या तुम दोनों? हाँ हाँ, हम दोनों, तुमने बहुत परेशान कर लिया सब लोगों को, अब हमारी बारी है तुम्हें परेशान करने की। अरे बापरे, अरे बापरे, योजना के अनुसार उस ढोंगी को हमने उस तालाब के पास वाले जंगल में घुसा कर रख दिया है, योजना का आखिरी पड़ाव। मुंशी जी, आप इन सब लोगों को लेकर यहीं पर पहरा दीजिए। अच्छा है, दोनों बहनें यहाँ से जा रही हैं, पर बाकी सारे यहीं पे खड़े हैं, वो भी डंडा लेके। इस वक्त यहाँ से जाना मुनासिब नहीं होगा। हाँ, मैं यहीं पे रुकता हूँ। अरे क्या हुआ, आप लोग इस तरह रो क्यों रहे हैं, हुआ क्या है? और मेरे अतिथि भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कुछ बात हुई है क्या? राजा साहेब, वो ढोंगी कल रात को सड़क पर घूम रहा था, घूमते घूमते वो जंगल के पास वाले तालाब में वो डूब कर मर गया। हम अभी उस ढोंगी का अंतिम संस्कार करके लौट रहे हैं। हाँ, ये क्या,
ये क्या, ये सच बात है महाराज जी? सच में? लेकिन ये बात बिना बताए आप लोगों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया। हम क्या करें राजा साहब, उस वक्त हम कुछ नहीं समझ पा रहे थे क्या सही और क्या गलत है। ठीक है ठीक है, मुझे उस तालाब के पास लेके चलिए, देखता हूँ। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं? अब राजा साहब के पास जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर मैं राज्यसभा में जाऊं कैसे? ये क्या, राजा साहब खुद यहाँ पे आ रहे हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं होगी। हाँ राजा साहब मैं यहाँ पर हूँ राजा साहब। अरे ये क्या, वो तो वहाँ खड़े हैं। राजा साहब, हमने अभी तो उस ढोंगी के लाश को जलाया है। वो ढोंगी नहीं है, वो ढोंगी का भूत है। निकल जाइए यहाँ से, निकल जाइए। भूत भूत, अतिथि का भूत, भागो भागो, अरे बाप रे, भागो भागो भागो। राजा साहेब, रुको, मेरी बात सुनो राजा साहेब, रुक जाओ, मेरी बात सुनो राजा साहेब। राजा साहेब उस ढोंगी को भूत समझकर उसको राज्य में घुसने नहीं देंगे, हमारा काम तो खत्म हो गया। सच में चंदा बहन, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं।